आपको दिक्कत है कि हमने 6 आवर्स की क्लासेस की हैं, लेकिन इन रियलिटी वो 3 आवर्स ही प्रोडक्टिव हो पाते हैं, या 2 आवर्स ही निकल के निचोड़ जो आता है ना वो 2 आवर्स ही आ पाता है। 4 आवर्स तो आपके जो है बोर्ड मिटाने में और कॉपी को उतारने में और जिसे कहते हैं दूसरे के डाउट सुनने में और टीचर के घर की कहानियाँ सुनने में, टीचर के कुत्ते का नाम क्या है ये सब सुनने में ही निकल जाता है। और ये होता है, आपको पता है, मैं भी क्लास में टीचर हूँ तो मैं भी अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए काफ़ी कहानियाँ सुनाता हूँ, तो मुझे पता है कि वो नहीं करूँगा तो बच्चे बोर होंगे और ये सब करने की वजह से टाइम लॉस होता है। हेलो गाइस, दिस कार्तिकेय पांडे एंड यू आर वॉचिंग न्यू ऑनलाइन कोचिंग। गाइज, ये वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग टाइटल तो देख के आए हैं, सो टाइटल को देख करके और वीडियो को विद इन 1 मिनट जज कर लेने से पहले से ही, उसके पहले ही मैं आप लोग को एक बात बता दूं बेटा कि ये वीडियो एक्सेप्शनली, मतलब जो बहुत ही एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं उनके लिए नहीं है कि नहीं सर मैं तो 24 घंटे में से 24 घंटे नहीं सर 27 घंटे पढ़ लेता हूँ, उन बच्चों के लिए नहीं है ये। उन बच्चों के लिए वीडियो है जो जनरल लाइफ जी रहे हैं और एक अच्छे एग्जाम्स जैसे IIT JEE और NEET के जैसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, और वो अपने जान वो मेहनत भी खूब करते हैं बट देखा जाए तो उनकी मेहनत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं तरीके से नहीं हो पाती है कि वो IIT JEE जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर पाएँ। तो वही मैं एनालिसिस आपको आज देने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इश्यूज होते हैं, मतलब आपने दिन में कितनी मेहनत की होती है एक दिन में जिसकी वजह से आप ये बात कह पाएँ कि हम उस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सके थे, ठीक है ना। तो मैं एक जनरल सा आप लोगों को एक दिन भर एक बच्चे की जो एक कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके रखा होगा या एक जनरल बच्चा स्कूल वाला होगा तो उसके लिए तो और कठिन हो जाएगा, जो कोचिंग क्लासेस वाला चलो मैं उसके लिए अपन बात करेंगे, स्कूल वाले के लिए थोड़ा प्लस माइनस कर देंगे लमसम, ठीक है ना। तो चलो करके देखते हैं, एक जनरल सा बच्चा लेते हैं, तो लेटा सपोज कि कोई जनरल सा स्टूडेंट है, ठीक है बेटा, थोड़ा सा आप इसको एनालाइज करके देखिएगा, ट्रस्ट में यदि आप अगले 5 मिनट देखते हैं ना, 5 से 10 मिनट, तो आप कहीं ना कहीं आगे चल करके बहुत टाइम सेव करने वाले हैं अपना। सो इसीलिए इस वीडियो को देखिएगा जरूर, क्लियर है। तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए कोई आदमी है या कोई बच्चा है, ठीक है, जो कि लेट अस सपोज कि 6:30 पे जगता है, 6:30 AM पे लेट अस सपोज वो जग रहा है, 6:30 AM पे वो जग रहा है और उसकी जो कोचिंग क्लासेस है वो मान लीजिए कि 7:30 पे है, ठीक है। तो वो क्या करता है इन गिवन 30 मिनट्स, मतलब जो उसके बाद 30 मिनट्स होंगे उन 30 मिनट्स में वो फ्रेश होता है और अपने आप को तैयार करता है, फ्रेश करके तैयार करता है ना, अपने आप को फ्रेश हुआ, तैयार वैर किया, वॉक किया, उसके बाद उस बच्चे को 30 मिनट्स कोचिंग में पहुंचने में लग जाते हैं। कोचिंग में पहुंचने का मतलब कि ब्रेकफास्ट भी उसे करना है, ऑब्वियस सी बात है घर में है तो मम्मी बिना ब्रेकफास्ट के नहीं जाने देंगी, कोचिंग पे हैं तो जनरली अपन ट्राई करते हैं, मतलब हॉस्टल्स पे रह रहे हैं तो ट्राई करते हैं कि ब्रेकफास्ट तो कर ही ले, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्रेकफास्ट की वजह से अपन कोचिंग में बैठ पाते हैं। तो अप्रॉक्स 1 आवर यहाँ पे हमारा चला जाता है, मान लो कि हमारी 7:30 से कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो 7:30 कोचिंग क्लासेस का टाइम होता है, 7:30 AM पे वो स्टार्ट नहीं होती है, ये आपको ही पता है, हम सबको पता है, वी आर इंडियंस, आइडियल टाइम की बात करें तो यदि 7:30 की कोचिंग क्लासेस हैं तो वो स्टार्ट होती है करीब 7:45 पे, ठीक है, और उन 7:45 कोचिंग के बाद मान लीजिए कि हम 6 आवर की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए हैं, 6 आवर्स की, उन 6 आवर्स में 2-2 आवर्स के 3 क्लासेस चलते हैं, मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, यदि नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हो जाएंगी, नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा हो जाएंगे तो और टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि लेट अस सपोज 3 क्लासेस का है, तो आपको पता है कि हर क्लास के बीच में जो एक ब्रेक होता है ना, उन क्लासेस के ब्रेक में आपके एटलीस्ट 15 मिनट्स चले जाते हैं, एटलीस्ट आपके 15 मिनट्स चले जाते हैं हर उसमें, क्योंकि टीचर जब छोड़ के जाता है क्लास, ठीक है ना, उस 5 मिनट के अंतराल वहाँ ख़त्म होते हैं, फिर जो नया टीचर आता है वो 15 मिनट बाद ही आता है, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे फिर से हमारे अप्रॉक्स देखा जाए तो कितने मिनट वेस्ट हो गए, 45 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, 45 मिनट्स हमारे वेस्ट जाते हैं। तो मैं इधर एक कॉलम बना रहा हूँ जहाँ पे मैं वेस्ट टाइमिंग को लिखूँगा, ठीक है ना, जो हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहला हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे वो अप्रॉक्स हो रहा है 45 मिनट से लेकर के 1 आवर के बीच का। क्यों 45 मिनट से लेकर के 1 आवर के बीच का, क्योंकि देखो 45 मिनट्स तो हम जेन्युइन तरीके से बोल सकते हैं, फिर कोचिंग क्लासेस में जब अपन बैठे होते हैं तो दोस्त क्या कर रहा है, दोस्त आज क्या पढ़ेगा, दोस्त कैसा कर रहा था,
दोस्त कहाँ गया था, कौन से मॉल में गया था, हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी गुफ्तगु कहीं ना कहीं कोचिंग में ही हो पाती है। क्योंकि हर दोस्त सेम हॉस्टल पर नहीं रहता है, बहुत सारे दूसरे हॉस्टल के भी बच्चे हमारे दोस्त होते हैं, तो सारी गुफ्तगु जो होती है ना वो वहीं पर होती है। तो हम एक बात मान के चल रहे हैं कि 1 आवर हमारा लॉस वहाँ पर हो ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके गाइज, उसके बाद चलिए मान लीजिए आप लोग कोचिंग को छोड़ते हैं, तो जब कोचिंग को छोड़ते हैं तो आप थके हारे होते हैं पूरा 6 आवर्स की मेहनत करने के बाद, बहुत सारी जो कि होता है, बहुत थोड़ा सा है। क्यों बहुत थोड़ा सा होता है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो टीचर्स उसी टाइम पे पढ़ाने के साथ साथ कहानी भी बताता है, फिर दूसरा बच्चा जो डाउट पूछ रहा है उस डाउट को एंटरटेन करने की वजह से कहीं ना कहीं टीचर उसमें टाइम दे रहा है, तो आपका टाइम तो लॉस हो रहा है ना। और भी बहुत सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से वो आपको दिक्कत तो है कि हमने 6 आवर्स की क्लासेस की हैं, लेकिन इन रियलिटी वो 3 आवर्स ही प्रोडक्टिव हो पाते हैं, या 2 आवर्स ही निकल के निचोड़ जो आता है ना वो 2 आवर्स ही आ पाता है। 4 आवर्स तो आपके जो है बोर्ड मिटाने में और कॉपी को उतारने में और जिसे कहते हैं दूसरे के डाउट सुनने में और टीचर के घर की कहानियां सुनने में, टीचर के कुत्ते का नाम क्या है ये सब सुनने में ही निकल जाता है। और ये होता है, आपको पता है, मैं भी क्लास में टीचर हूँ तो मैं भी अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए काफ़ी कहानियाँ सुनाता हूँ, तो मुझे पता है कि वो नहीं करूँगा तो बच्चे बोर होंगे और ये सब करने की वजह से टाइम लॉस होता है। और देखिए सब टाइम लॉस होता है ये बेटा, देखिए मैं एक्सेप्शनली वेल टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल टीचर की बात कर रहा हूँ और उसके सामने जनरल बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं AIR 1 बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ और उसके पढ़ाने वाले टीचर की, कि वो बोले मैं तो 3 घंटे में तो 3 घंटे पढ़ाता हूँ। अरे भाई आप पढ़ाते होगे, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं एक जनरल टीचर की बात कर रहा हूँ और एक जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तब की बातें हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रोडक्टिव कितना होता है, 2 आवर ही प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, अब आप यहाँ से आते हैं थके हारे होते हैं तो अब आप अपने हॉस्टल पहुँचते हैं, तो लेट अस सपोज कि आप 7:30 पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो 1:30 बजे आप छूटेंगे, तो 1:30 बजे जब आप छूटेंगे तो आप अपने रूम में पहुँचते कहीं ना कहीं 2:15 लगा ही देंगे और 2:00 है ना, ये आपका लग ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप 30 मिनट्स तो गायब कर ही लेते हो वहाँ पे। उसके बाद घर जाते हो, खाना खाते हो, है ना, तो खाना खाने में कितना, फिर वही आपका जो लंच हो गया उसमें 30 मिनट्स फिर से आपके चले गए। तो अब आपका यहाँ पे वेस्ट नहीं है, ये वेस्ट टाइम नहीं है, बट 30 मिनट्स आपका वेस्ट हो, 30 मिनट्स आपको वहाँ पे इन्वेस्ट हो गया, 30 मिनट्स फिर आपके चले गए। अब आपका जो टाइम हो चुका है वो अप्रॉक्स पहुँच रहा है कितना बेटा, 3:00 पहुँच रहा होगा लमसम। क्योंकि देखिए मैं भी कोचिंग किया हूँ, मेरे दोस्त यार भी कोटा से पढ़े हैं, मैं Super 30 से था, मतलब जो उसका सेंटर है, तो मैंने जो देखा है और जो अपने दोस्तों से मैंने पूछा उनका यही सबका कहना था कि हाँ यार 3:00 तो बज ही जाते हैं कोचिंग से आने के बाद, हम बुक्स नहीं उठा पाते उसके पहले। फिर 3:00 के बाद ऑब्वियस है कि तुम खाना खा के अभी भी जस्ट आए हो, है ना, 3:00 तो थोड़ा बहुत मन करता है यार रेस्ट कर ले यार, क्योंकि 6 घंटे मेहनत करके आए हैं फिर कोचिंग, तो 1 घंटा जनरली बच्चे रेस्ट कर ही लेते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि 3 to 4 o'clock आपका यहाँ पे चला गया। आई विल सजेस्ट कि ये आपका 1 आवर वेस्ट है। क्यों 1 आवर वेस्ट है अभी बताऊंगा मैं आपको आगे चल करके, 1 आवर फिर आपका वेस्ट हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद 4 o'clock के बाद चलिए आप मान लीजिए आप दोबारा जगते हैं और आप फिर से प्रिपरेशन करने के लिए बुक्स उठा करके बैठ जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं है कि मैं कौन सी बुक उठाऊँ, 5 मिनट इसमें लग जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है, ठीक है ना, या क्या किसने होमवर्क दिया था, इन सब चीज़ों को। उसके बाद चलिए आपने बुक उठा ली, तो ऐसा तो होता नहीं कि बुक उठाते ही आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, नो नॉट एट ऑल, आप बुक उठाते हैं लेकिन शुरुआत के 10 मिनट आपके लग जाते हैं अपने आप को कंसंट्रेट करने में, 5 से 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। यार मेरा नहीं, किसी भी बच्चे का जनरली ऐसा नहीं होता कि बुक उठाया और एकदम आइंस्टीन की तरह स्टार्ट हो गए, नो नॉट एट ऑल, कुछ ना कुछ टाइम लग ही जाता है। तो फिर से आप मान लीजिए कि अब आप लगातार स्लॉट में बैठे हैं, तो 4 बजे से बैठे हैं, तो शुरुआत के 15 मिनट आपके किल हुए, फिर आप बैठे रहे 1 घंटे होने के बाद जैसे ही आपका मान लीजिए 5 o'clock हुआ, तो आप फिर से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है खुद से, या आपका कोई ना कोई दोस्त यार आपको कहीं ना कहीं टिंच कर ही देता है कि ये भाई क्या कर रहा है यार, ये टॉपिक बना क्या, वो टॉपिक बना क्या, ये क्वेश्चन बना क्या, वो वाला क्वेश्चन बना क्या। क्वेश्चन तो वो अपना पूछने आया था, हमने मान लो बता भी दिया, ठीक है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उसके आने की वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल था वो फिर से डिस्टर्ब हो गया, फिर से हमें वही 15 मिनट लगेंगे दोबारा वही कंसंट्रेशन लेवल अचीव करने में। तो 15 मिनट ऐसे, अब जब आप मान लीजिए 6 बजे उठने वाले होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आप 6 बजे जस्ट पढ़ाई बंद करते हैं, नहीं, आप 6 बजने से 15 मिनट पहले या पढ़ाई बंद कर चुके होते हैं आप ही। क्यों? क्योंकि
आपको ही पता है कि यदि आपका मन यदि लग रहा होता तो अभी आप एक घंटे और पढ़ते, अब आपका मन नहीं लग रहा था इसीलिए आप कहीं ना कहीं उठने लगे थे, तो आप उठते तो नहीं हैं 6 बजे तक, लेकिन इन रियलिटी देखा जाए तो आप पढ़ाई जो देखा जाए तो हाई कंसंट्रेशन वाली वो 15 मिनट पहले ही बंद कर चुके होते हैं, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो 15 मिनट के 3 स्लॉट आपके बर्बाद हुए हैं 4 से 6 के बीच में, फिर से आप 45 मिनट लॉस कर रहे हो। और ये होता है, ये होता है, ट्रस्ट मी, ये 45 मिनट लॉस होते हैं, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। कोई भी बच्चा 1 टाइम बैठ रहे हो चाहे 2 टाइम, देखो जो 2 टाइम बैठेगा उनका तो और लॉस होगा कि एक एक घंटे के अंतराल में बैठ रहे हैं, वो तो उनका तो और लॉस होना है क्योंकि उन्हें दोबारा कंसंट्रेशन लेवल अचीव करने में वही होता है। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे 3 क्लास की बजाय 4 क्लास हो जाते तो 4 बार टीचर आते जाते, है ना, तो जब 4 बार टीचर आते जाते तो 4 बार ब्रेक मिलता, 4 बार ब्रेक मिलता तो हर बार यदि मान लो 15 मिनट लग रहा है तो 60 मिनट ऐसे जाते, फिर 4 टीचर अपनी अपनी कहानियां बताते हैं, अलग अलग अपना मूड शेयर करते, तो ऑब्वियस वहां ज्यादा और टाइम किल होता, ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर तो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम किलिंग होती है वहां पे, ठीक है ना। तो उसी तरह यहां पे एक बार में यदि आप बैठे 4 से 6 के बीच में तो 45 मिनट्स ही जाएंगे, आई विल सजेस्ट, ठीक है ना। लेकिन यदि आप 2 बार सोचते हैं कि नहीं पहले मैं 4 से 5 बैठूंगा फिर मैं 15 मिनट का गैप लूंगा फिर मैं 5:30 से 6:15 बैठूंगा, नो, तब तो और लॉस होगा। तो इसलिए मैं आइडियल केसेस की बात कर रहा हूं, तो 45 मिनट्स या 30+ मिनट्स आपके यहां पे फिर से लॉस हो गए। अब आपका 6 o'clock हो चुका है, अब आपका टाइम आ चुका है सब्जेक्ट चेंज करने का और साथ में दुनिया की बातें जानने का, मतलब आसपास देखने का कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर कैसी हरियाली है, क्या चीज़ें हो रही हैं, मेरे घर के पास से कौन गुजर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, इन सारी बातों को जानने में हमारे और 15 मिनट लॉस होते हैं। कब? जब हमारा 6 बजे का टाइम हो जाता है, 6 PM का टाइम होता है, उस वक्त हम 15 से 20 मिनट फिर लॉस कर देते हैं अपने इन चीज़ों को जानने में, क्लियर है। और मान लीजिए फिर अपन बैठते हैं तो फिर वही जैसे यहाँ 45 मिनट लॉस हुए थे उसी तरीके से फिर वहाँ 45 मिनट आपके लॉस इन्वॉल्व होते हैं, तो ये फिर से आपका 1 आवर में कन्वर्ट हो जाता है, 45 मिनट सिटिंग में और आपके 15 मिनट्स इधर चले गए। तो आप पढ़े कितना है अभी तक में, यहाँ से 3 से यहाँ तक में आपने 1 घंटे 15 मिनट पढ़ा है, और फिर आपने मान लीजिए जब 6 से आप 8 बैठे तो फिर से आपने 1 घंटे 15 मिनट पढ़ा है, 2 बार आपने 1 घंटे 15 मिनट 1 घंटे 15 मिनट पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद अब खाने का टाइम हो गया 8 बजे, यदि आप घर में हैं तो मम्मी चिल्लाना स्टार्ट कर देंगी, ओ बेटा खाना खा ले रोटियां बन गई हैं, फिर ठंडी हो जाएंगी, या मेस वाला होगा तो मेस वाला तो डंडा मारेगा खाना खा शांति से मैं मेस बंद करके जा रहा हूं, तो ऑब्वियस है कि आपको 8 बजे उठना पड़ेगा, 8 या 8:30 पे जब भी होगा, ठीक है। अब जैसे ही आप उठते हैं तो आपके दोस्त यार भी आते हैं, थोड़ा गुफ्तगू होती है कि मोदी सर क्या कर रहे हैं, राहुल बाबा क्या कर रहे हैं, यदि आलिया इस मूवी में ऐसा करती तो ऐसा होता, प्रभास यदि साहो में वहाँ पे जंप नहीं लेता तो साउथ की मूवी नहीं कहलाती, ऐसा करके मतलब बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे डिस्कस करते हैं। और इन सब चीज़ों के चलते खाने में अपन जिसे कहते हैं चाय पे चर्चा होती है 1 आवर की, 1 घंटे पे चाय की चर्चा होती है अपनी 1 घंटे की, उसके चलते हमारे फिर हो जाते हैं 8 से 9, क्लियर है। अब फिर थोड़ा सा टहलना होता है, और अभी खाना खाया ना पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए थोड़ा टहल लेते हैं या थोड़ा बहुत घूम भाग लेते हैं या थाली धुल लेते हैं अपनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों के चलते आपका ये एनी हाउ 9:30 हो ही जाता है। तो आपके जहाँ पे 30 मिनट्स खाने की वजह से इन्वेस्ट होने चाहिए थे वहाँ पे आप 1.5 घंटे कर रहे हो, इसका मतलब 1 आवर फिर से आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। चलो 9:30 बज गए, अब आप फिर से आते हो, दोबारा आपके अंदर का कालिया जगता है कि अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे IIT क्रैक करनी है 9:30 बजे, ठीक है। लेकिन 9:30 बजे अपन बैठ गए चलो मान लो, तो फिर से वही 9:30 से मान लो 11:30 तक के लिए आप बैठे हो, तो 45 मिनट वाला लॉस, समझ गए ना 45 मिनट लॉस कौन सा, 15 मिनट शुरुआत में 15 मिनट बीच में होता है 15 मिनट लास्ट में होता है ना। चलो बहुत कम इस बार मान लेता हूँ, इस बार मैं मान लेता हूँ कि तुमने 30 मिनट्स ही लॉस किया है, कितना लॉस किया 30 मिनट्स, और तुम 11:00 मान लो कि 30 मिनट तक पढ़ते रहे, 11:30 तक पढ़ते रहे, ऑब्वियस है कोई दोस्त आ जाता है, कोई पूछ लेता है, कुछ भी हो जाता है, नींद आने लगती है, कभी कभी चावल खा लिया, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपने 11:30 तक में, क्यों 11:30 तक में, क्योंकि 11:30 से 12 का जो टाइम होता है वो सोने का होता है, क्यों, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं देखा जाए 6:30 बजे जगना भी है, तो कोई भी बच्चा एक साउंड स्लीप लेना चाहता है 6 से 6:30 घंटे के बीच की, यदि आप ये नींद नहीं लोगे तो दूसरे दिन क्लास में जाके सोओगे, है ना। कुछ कहते होंगे 5 आवर्स, मैं भी 5 आवर्स पढ़ता था, ठीक है, नो डाउट, लेकिन मैं कई बार फिर सोता भी था। हाँ, जब मैं इधर कोचिंग लाइन पे आ गया, मतलब पढ़ाने लगा, जब मैं IIT क्रैक कर चुका था, फिर मैं जॉब करने लगा, तो जब जॉब करने लगा तो भाग दौड़ होती थी तो थोड़ा नींद नहीं आती थी उस तरीके से, लेकिन जब कोचिंग
कोचिंग लाइन में था तो हाँ ये मैटर करता था। तो इसीलिए जनरली हर बच्चा 6 से 6.5 घंटे की नींद चाहता है कि प्रॉपर तरीके से उसकी नींद हो जाए। तो आप देखो, आपने दिन भर में देखा जाता है, कोचिंग में आपने 3 घंटे पढ़े हैं प्रोडक्टिव तरीके से, और आपने बाहर कितने पढ़े, 1 घंटे 15 मिनट, और इस वाले स्लॉट में आपने पढ़ा था 1.5 घंटे, मान लो कि 9:30 से पूरा का पूरा आपने 11 तक पढ़ लिया था बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए, तो 1.5 घंटे। तो ये देखा जाए तो कितना हुआ है आपका, 2 घंटे 30 मिनट, और ये वाला 1.5 घंटे जोड़ दें तो आपके हुए 4 आवर्स, ठीक है ना। तो 4 आवर में यदि आपका देखा जाए तो पर सब्जेक्ट कितना पड़ा, पर सब्जेक्ट आपको 1 आवर 20 मिनट्स के अप्रॉक्स ही मिलेंगे। हाँ 1 आवर 20 मिनट्स, यार 1 घंटे 20 मिनट तुम किसी एक ऐसे सब्जेक्ट को देना चाह रहे हो जिसमें तुम्हें IIT JEE के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेलेक्ट कैसे हो गए, ऑब्वियस नहीं हो गए तुम, यदि एक्सेप्शनली तुम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुए, तुम्हारा माइंड बहुत तेज नहीं हुआ तो देखो ना, क्योंकि तुमने कितने मिनट्स लॉस कर दिए अपने, 1, 2, 1/2 मान लो इसे, तो 2.5, 3.5, 4.5 घंटे तुमने ऐसे लॉस किए अपने छोटी छोटी जगहों पे, जो कि तुम काउंट नहीं कर पाए हो, लेकिन वो हुआ है इन लॉस, वो आपको दिखा नहीं है। आपको तो हरदम ये याद रहता है कि भैया हम जो बैठे थे पढ़ने, वो हम बैठे थे 4 से 6 के स्लॉट में, लेकिन जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो इफेक्टिव है, उसकी बातें करो ना यार, बैठने का तुम 6 घंटे बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब वो इफेक्टिव था ही नहीं। तो इन रियलिटी अगर तुमने 5 घंटे वेस्ट किए हैं, 5 से 5.5 घंटे वेस्ट किए हैं तुमने, कौन है भाई मेरे को याद कर रहा है, ध्यान समझिएगा, तो आपने 5 से 5.5 घंटे आपने वेस्ट किए हैं बेटा, ठीक है, और आपने पढ़ा कितना है, मात्र 4 घंटे कोचिंग के अलावा। और आपको पता होना चाहिए कि किसी बच्चे के सिलेक्शन में टीचर का 10% ही ध्यान हाथ रहता है, उसके खुद की सेल्फ स्टडी ही मेन होती है, इंपॉर्टेंट, ये बात का ध्यान रहे, उसके खुद की सेल्फ स्टडी ही होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, 90% उसका खुद का हाथ होता है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि आप बस ये कोचिंग क्लासेस जो आप पढ़ के आए हैं उसकी वजह से IIT क्रैक कर लेंगे या नीट क्रैक कर लेंगे, तो नहीं बेटा, थोड़ा कठिन है। आपने ये पूरे के पूरे 5 आवर्स अपने वेस्ट कर दिए, 5 आवर 30 मिनट आपने किल कर दिए अपने, और ये जानते कब है, जब आपके वर्किंग डेज हैं, संडे, हॉलीडेज, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, गणपति विसर्जन, रक्षाबंधन, दीपावली, समझिएगा, दीपावली, क्रिसमस, कोई नई मूवी आ रही है, कभी कभी क्रिकेट होता है, कभी कभी वर्ल्ड कप का फाइनल होता है, कभी कभी ये होता है, कभी कभी वो होता है, कभी कभी इसरो में चंद्रयान की लैंडिंग होती है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लाइफ में बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करती हैं। तो ऑब्वियस है कि ये तो आपका जब सबसे ज्यादा आप वर्किंग होते हैं, जिस दिन आप पूरा काम में लगे होते हैं, अपने आप को फोकस कर रखे होते हैं पढ़ाई में, तब आप इतना पढ़ते हो, तो और दिन तो आप कितना पढ़ते हो खुद से सोचो ना यार। तो एक तरह से देखा जाए तो इन 1 मंथ आप एक सब्जेक्ट को देखा जाए तो 30 to 40 hours ही दे पा रहे हो, और वो भी नहीं दे रहे हो, क्यों, क्योंकि एक मंथ में आप मुश्किल से 20 ही दिन तो पढ़ते हो यार, 10 दिन तो आपके ऐसी चीजों में गुजरते हैं, कभी ये वाली छुट्टी, कभी वो वाली छुट्टी। तो यार यही सब कारण तो होते हैं कि इतना सब मेहनत करने के बाद भी हमें लगता है कि हम कोचिंग करने गए थे, इतनी बड़ी कोचिंग में हमने तो पूरी रेगुलर पढ़ाई करी थी, हमने कभी बंक नहीं मारा, हमने कभी छुट्टी नहीं ली, उसके बाद भी हमने नहीं सेलेक्ट हो पाए, उसके पीछे रीजन यही होता है, क्योंकि तुमने डीप में कभी एनालिसिस किया ही नहीं है कि यार जो हम पढ़ाई कर रहे हो प्रोडक्टिव कितनी है। इसीलिए मैंने वीडियो का टाइटल दिया कि आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आए कि हाँ यार बहुत कुछ है। हाँ चलो, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि नहीं सर, मैं तो 4 के बजाय 7 घंटे पढ़ लेता हूँ, तब भी आप इसमें एनालाइज करके देखिएगा, आपका 1 घंटा यदि लॉस हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है। कुछ बच्चों को तो 5.5 या 7 घंटे भी लॉस हो रहे होंगे, लेकिन चलिए मान ले रहा हूँ किसी बच्चे के 1 घंटे लॉस हो रहे हैं, बहुत अच्छा बच्चा है, तो 1 घंटे क्यों लॉस हो रहे हैं, सोचो ना कि 1 घंटे भी हमारे लॉस ना होने पाए। तो यदि ऐसी चीजें होती हैं तो ऑब्वियस है कि आप IIT JEE NEET जैसे एग्जाम्स को मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैक करेंगे, बहुत अच्छी रैंक से क्रैक करेंगे, और ये सारी चीजें ऑब्वियस है कि आपको रियलाइज होंगी, लेकिन जब एक बार आप यहां से निकल जाएंगे तब रियलाइज होंगे कि हाँ यार ऐसा था। क्लियर है गाइस? तो आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और दूसरी चीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज आप लोगों को मिलते रहेंगे, पढ़ाई वाले वीडियोज भी मिलते रहेंगे, और एवरीथिंग इज़ फाइन। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।